है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खोपरा पाक। बिल्कुल इजी तरीके से इसे बनाएंगे। अगर आज तक आपने कभी भी कोई सी मिठाई बनाकर ट्राई नहीं की है, एक बार ये मिठाई बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट टाइम में ही आप बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। मैं आपको इसका बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताऊँगी, जिससे कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी मिठाई। तो यहाँ पर मैंने अमूल का पैकेट वाला मावा यूज़ किया है। आप चाहें तो होममेड मावा भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मावा यूज़ किया है और इसका मेज़रमेंट मैं कप में भी आपको बता रही हूँ, ताकि आपको बनाने में थोड़ा इजी रहे। तो यहाँ पर 200 ग्राम मावा है और कप में देखा जाए तो 1.5 कप मावा है। अब खोपरे का बुरा ले लेंगे। तो जितना आपने मावा लिया है उससे जस्ट आधा आपको खोपरे का बुरा लेना है। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम खोपरे का बुरा लिया है। अगर कप में देखा जाए तो ये 1.5 कप खोपरे का बुरा है। तो हमने 1.5 कप मावा लिया है और 1.5 कप ही खोपरे का बुरा है। अब इसके बाद शक्कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम शक्कर ली है, 200 ग्राम मावा है, 100 ग्राम खोपरे का बूरा और 100 ग्राम ही शक्कर लेना है। शक्कर को अगर कप में देखा जाए तो आधा कप शक्कर है। अब हमें चाशनी बनाकर तैयार करना है। तो मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें शक्कर डाल देंगे। शक्कर आधा कप है तो मैंने इसके लिए 1/4 कप पानी इसमें डाला है। जो शक्कर है वो पानी में बिल्कुल अच्छे से डूब जानी चाहिए। अब इंडक्शन को मैंने चालू कर दिया है। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो शक्कर है पानी में बिल्कुल जल्दी से डिसॉल्व हो जाए। इसके लिए जो चाशनी वो थोड़ी कड़क चाशनी ली जाती है, जो बेसन चक्की की चाशनी होती है उससे भी कड़क लेते हैं इसकी चाशनी। जब जो शक्कर है वो कढ़ाई के आसपास चिपकने लग जाए, बिल्कुल वाइट सी लेयर बनने लग जाए, इसका मतलब चाशनी बनकर तैयार है। यहाँ पर देखिए, मैंने स्पैचुला से भी बताया, जो चाशनी है ना बिल्कुल धीरे धीरे से और रुक रुक के गिर रही है और बिल्कुल वाइट सी लेयर बन गई, इसका मतलब चाशनी तैयार है। जब चाशनी को आप दो उंगलियों के बीच में लेकर एक थ्रेड बनाएंगे ना तो वाइट सा एक थ्रेड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सफ़ेद एक थ्रेड बन रहा है, इसका मतलब चाशनी तैयार है। इसमें मावा डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसमें काफ़ी सारी गुठलियाँ हैं तो हमें बिल्कुल ये स्मूथ चाहिए, बिल्कुल जो रबड़ी होती है ना बिल्कुल रबड़ी के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर जो है सारी गुठलियों को हटा देंगे, स्पैचुला से तोड़ देंगे गुठलियों को। अब ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, रबड़ी के फॉर्म में आ चुका है। तो खोपरे का बूरा डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे, अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए और इसे कुक कर लेंगे। अब मैंने एक ट्रे ले ली है, ट्रे में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, अच्छे से इसे फैला देंगे। एक कटोरी ले ली, इससे अच्छे से इसकी सरफेस को इवन कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा डेकोरेट कर दिया है, सिल्वर वर्क इसके ऊपर लगा दिया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है सिल्वर वर्क, आप चाहें तो ये लगाएं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। कटा हुआ पिस्ता इसके ऊपर डाल देंगे जिससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। थोड़ा सा इसे कटोरी से प्रेस कर देंगे ताकि ये निकले ना। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने केसर का दूध ले लिया है, इसके ऊपर केसर का दूध डाल देंगे जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट और लुक आएगा। अब इसे 30 मिनट के लिए हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए, थोड़ा सेट हो जाए। अब इसके बाद इसके पीसेस कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा खोपरा पाक बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही बनाना आसान है। इसे बिल्कुल आसानी से बन जाता है, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। अगर आपने कभी भी मिठाई नहीं बनाई है तो भी आप इसे बिल्कुल अच्छे से बना लेंगे, बगैर किसी फेल हुए बिल्कुल परफेक्ट बनती है मिठाई। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।